हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं आ गया हूँ पबजी मोबाइल का एक ब्रांड न्यू वीडियो लेकर, जिसमें बताने वाला हूँ भाई कि जायरो प्लेयर बेस्ट हैं या नॉन जायरो प्लेयर। तो भाई वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि भाई ऐसा बहुत बार होता होगा कि भाई जो नॉन जायरो प्लेयर हैं वो कहते हैं कि भाई मैं बेस्ट हूँ, मतलब तुम मेरे आगे नहीं टिक सकता, नहीं लग सकता और मेरे जितना अच्छा नहीं खेल सकता है। तो सेम सिचुएशन भाई जायरो प्लेयर भी कह देते हैं, क्योंकि भाई उनके ऊपर अपना कॉन्फिडेंस रहता है और उनके ऊपर अपना कॉन्फिडेंस रहता है। तो फिलहाल के लिए भाई मैं ये बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि भाई आपके लिए बेस्ट कौन सा है, या आप कौन सा खेलते हैं तो कितना बेस्ट है, और जायरो प्लेयर बेस्ट है या नॉन जायरो प्लेयर, भाई इसका तुलना भी यहाँ पर होने वाला है। तो भाई वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि भाई इसमें पता चल जाएगा भाई कि बेस्ट कौन है, जायरो प्लेयर और नॉन जायरो प्लेयर। तो भाई वीडियो में बैठे रहो, और भाई अभी फिलहाल के लिए जो जायरो प्लेयर और नॉन जायरो प्लेयर का कंपैरिजन है भाई, जो तुलना है ना भाई इसमें चल रहा है, वो फिलहाल चल रहा है भाई क्लोज रेंज के लिए। फिलहाल मतलब आज बताने वाला हूँ क्लोज रेंज में कि इनका मतलब क्या यूज है, कौन बेस्ट है भाई क्लोज रेंज के लिए। तो भाई चलो अभी एक टीडीएम खेल लेते हैं, क्योंकि भाई टीडीएम में सबको पता है कि भाई क्लोज रेंज ही होता है, लॉन्ग रेंज मतलब सिस्टम नहीं है। तो भाई क्लोज रेंज खेलना है तो भाई टीडीएम खेल लो, तो यहाँ से भाई आप लोग आसानी से मतलब बता सकते हो कि कौन है बेस्ट। तो यहाँ से जैसे ही आप लोग खेलेंगे तो भाई मतलब अभी टीडीएम हमारा स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो भाई टाइमिंग ले रहा है तो थोड़ा तो मतलब वेट कर ही सकते हैं, क्योंकि भाई ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो स्टार्ट होने के बाद भाई मैंने अपना जायरो जो था भाई जायरो बंद कर दिया हूँ, और भाई मैं आप लोगों से ये बता दूँ कि भाई मैं एक जायरो प्लेयर हूँ। तो ऐसा कोई सीन नहीं है भाई कि मैं जायरो को मतलब अहमियत दूंगा इसमें, भाई ऐसा नहीं है कि भाई तू जायरो प्लेयर है तो तू जायरो को ही बताएगा, तो ऐसा नहीं है भाई। आप मतलब आप भी बता सकते हैं भाई देख कर कि सीन क्या है। तो फिलहाल मैं जायरो को मतलब ऑफ कर दिया हूँ, और भाई बिना जायरो को खेलूँगा, उसके बाद देख लेना भाई आप लोग, और फिर खेलूँगा जायरो के साथ तो क्या सीन होने वाला है। तो फिलहाल अभी स्टार्ट होने वाली है भाई वीडियो, तो भाई मैच हम लोग का स्टार्ट हो चुका है मतलब टीडीएम, और भाई मैं निकल चुका हूँ मतलब एनिमियों के मतलब बंदों की तलाश में, और उसको तलाश करते हुए भाई मेरे टीममेट भी मतलब क्या कहते हैं यार राम सेना की तरह जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भाई यदि मैं जायरो के साथ खेलता तो भाई शायद मेरा ही किल होता, और यहाँ तो भाई भूल ही जाओ। तो यहाँ पर ये किल भी भाई मतलब नहीं हो सकता था, लेकिन होना चाहिए भाई, लेकिन क्यों नहीं हुआ मतलब समझ सकते हो भाई। और यहाँ मतलब इसको भाई देखो, इसको मेरे सामने मतलब इतना मतलब मार रहा, उसके पास कनेक्ट ही नहीं हो रहा है एमओ ही, और इसके पास देखो भाई ये एमओ रिलोड कर रहा है तो इसे मैं नहीं मार पा रहा हूँ, कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। तो भाई मतलब ऐसा नहीं है भाई मैं नहीं मार पा रहा हूँ, और हर लोग नहीं मार पा रहे होंगे, तो मैं पता है भाई जो नहीं खेलते हैं जायरो वो लोग भाई डेफिनेटली मार लेंगे भाई, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। मतलब अच्छा खेलेंगे भाई, जो मतलब जायरो प्लेयर नहीं है वो अच्छा खेलेंगे। तो फिलहाल अब चलो भाई अपने चलते हैं नेक्स्ट मतलब जायरो प्लेयर के साथ, और जायरो अपना मतलब ऑन कर ही लिया हूँ, और ऑन करने के बाद मतलब एक नेक्स्ट मैच भी लगा लिया हूँ। इस मैच में आ गया हूँ, और इस मैच में आने के बाद देख सकते हैं भाई कि सीन किस तरह से। भाई वीडियो मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया है क्योंकि भाई आप लोग बहुत बोर हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं भाई जायरो प्लेयर का मतलब ये होता है भाई कि आप लोग का एमओ भाई लास्ट टाइम में देख सकते हैं मेरा कनेक्ट हो जा रहा है मतलब एनिमी से। अब पहले होता था कि भाई कनेक्ट ही नहीं होता था उससे, अब जायरो मतलब भाई अपने मतलब फोर फिंगर प्लस जायरो भाई एकदम तबाही मतलब समझ सकते हो कि मैं कहना कह जा रहा हूँ। इसमें भी भाई सीन यही था, लेकिन भाई डैमेजिंग गन मेरे पास नहीं था तो भाई सीन गलत हो जा रहा था। तो फिलहाल मैं ले लिया हूँ ग्रोजा, और ग्रोजा लेने के बाद भाई देख सकते हैं कि सीन क्या हो रहा है जायरो प्लेयर में। भाई मतलब जैसे मैंने जायरो खेला है तो उसमें मेरा ज़्यादा से ज़्यादा एमओ मतलब बंदों से कनेक्ट हो रहा है, और यहाँ पर भाई देख सकते हैं खतरनाक ही लेवल से मुझे लग रहा है कि चल रहा है फिलहाल गेम। और भाई जायरो मतलब यहाँ से आप लोग मतलब आप मुझे बता सकते हैं कि भाई सीन क्या है, जायरो वाला खतरनाक है ना जायरो वाला, तो यहाँ से आप लोग बताओ भाई कि जायरो वाला खतरनाक है कि ना जायरो वाला, और आप लोग कमेंट में भी ये कर दो कि भाई आप लोग जायरो प्लेयर हो या ना जायरो प्लेयर हो, इसको भी आप लोग मतलब बता ही दो, क्योंकि भाई मुझे तो पता चलना चाहिए कि कितने प्लेयर अभी जायरो खेल रहे हैं और ना जायरो खेल रहे हैं। तो भाई मैं देख सकते हैं सीन कुछ इस तरह से है, और चल रहा है फाइट मतलब खतरनाक ही लेवल से, क्योंकि भाई जायरो प्लेयर का मतलब है ना जो वीडियो आने वाला है भाई उसे देख लेना, तो उसे पता चल जाएगा जायरो का मतलब बेनिफिट क्या है, मतलब फ़ायदा क्या है और इसका ना फायदा क्या है। तो यहाँ पर भाई देख सकते हैं सीन ऐसा मतलब चल रहा है, अभी गेम तो इंटरेस्टिंग चल रहा है, और भाई हम लोग आगे मतलब चल रहे हैं तो भाई पूरा गेम प्ले नहीं दिखा सकता भाई, क्योंकि भाई गेम मतलब समझ सकते हैं ना ज़्यादा मतलब लेट हो जाएगा भाई, जैसे कि आप लोगों का गेम टाइम हमारा ख़राब कर रहे भाई, ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है। तो भाई अब चलो फिर लोबी में हम लोग आ गए हैं, और लोबी में आने के बाद देख सकते हैं भाई आप लोग बताओ कि भाई कौन बेस्ट है। मैं कहता हूँ भाई क्लोज रेंज में भाई दोनों बेस्ट हैं,
क्लोज रेंज में यदि आप जायरो नहीं खेलते हैं तो भी बेस्ट हैं, और नहीं मतलब खेलते हैं तो भी बेस्ट है, और मतलब खेलते हैं थोड़ा सा प्लस पॉइंट आपके पास चला जाता है जायरो। मतलब ऐसा नहीं भाई, ऐसे मतलब अभी जायरो स्टार्ट कर दो और खेलना शुरू कर दो, ऐसे नहीं होगा ना भाई। जायरो के लिए भाई थोड़ा समय लगता है, मतलब आपको भाई ज़्यादा से ज़्यादा भाई 3 से 4 दिन या मैक्सिमम भाई 1 वीक लग सकता है आपको पूरे मतलब 100% जायरो खेलने के लिए। तो है यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से, मतलब 100% मतलब हाँ जैसे मतलब अभी आप खेल रहे हैं उस तरह से आप लोग मतलब जायरो खेल सकते हैं 1 हफ्ता में। और भाई यदि 4 फिंगर हैं तो भाई आप जायरो ना खेलेंगे तब भी मतलब ठीक ही रहेगा क्लोज रेंज में। तो भाई मैं सजेस्ट करूँगा कि भाई जायरो खेलो, क्योंकि भाई जायरो मतलब आसान है यार, बहुत ज़्यादा आसान है। आपको ज़्यादा कस्टमाइज नहीं करना पड़ता, मतलब आपको ज़्यादा अपना मतलब फिंगर वगैरह नहीं चलाना पड़ता है मतलब डिस्प्ले उस्प्ले पर मतलब ज़्यादा, तो आप लोगों को जायरो ही बहुत ज़्यादा सहायता कर देता है इसमें। आई होप यार वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया हो। लेकिन भाई अभी अगले वीडियो में बताने वाला हूँ भाई कि मिड रेंज में जायरो प्लेयर बेस्ट है या नॉन जायरो प्लेयर, और लॉन्ग रेंज में जायरो प्लेयर बेस्ट है या नॉन जायरो बेस्ट है। तो भाई Part 2 आने वाला है, तो सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।